आज ये भजन लेते हैं, गौरांग तुमी मोरे दया ना छड़ियो। वैष्णव संघ बुक में आप निकाल दीजिए और आपके फोन में भी निकाल सकते हैं। गौरांग तुमी मोरे दया ना छड़ियो, गौरांग तुमी मोरे दया ना छड़ियो, आपन करिया रंगा आपन करिया रंगा चरण राखी हो, गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़ी हो, तो तुमार चरण लागी सब त्यागिलु, तुमार चरण लागी सब त्यागिलु, शीतल चरण पाया शीतल चरण पाया शरण लईलु शरण लईलु, गौरांग तुमि मोरे दया ना छाड़िहो, एकुले मुई दिलु तिलांजलि, एकुले मुई दिलु तिलांजलि, राखी हो चरणे मोरे राखी हो चरणे मोरे, आपनार बोली आपनार बोली, गौरांग तुमि मोरे दया ना छाड़ी हो, वासुदेव घोष बोले चरण धरिया, वासुदेव घोष बोले चरण धरिया, कृपा करी राखो मोरे कृपा करी राखो मोरे, पद छाया दिया पद छाया दिया, गौरांग तुमि मोरे दया ना छड़ियो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम, निताई गौर हरिबो 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 हरिबो, हरे कृष्ण समवेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो कल हम लोग
श्री चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण यात्रा के शुभारंभ का चर्चा शुरू किए थे, तो उन्होंने अपने गण, उनके साथ जो संगी थे, नवदीप से ही उनके साथ में संन्यास के बाद पूरी तक चल चल कर गए थे, जिसमें नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद और दामोदर थे। उनको एक एक करके बुला करके नितांत बड़े प्रेम से उनके हाथ पकड़ करके, उनको बड़े सम्मान के साथ गले लगा करके उनको परमिशन मांगे, और फिर उन्होंने सभी को निषेध किए कि उनके साथ जा सकते। वो बड़े सुंदर भाव से काले हम बता रहे थे, नित्यानंद प्रभु को मना किए, फिर मुकुंद को भी दुखी हो रहा है इसने मना किए, और दामोदर पंडित को भी, जगदानंद, दामोदर, मुकुंद सभी को, अमित सन्यासी, दामोदर ब्रह्मचारी, सदा है हमारो ऊपर शिक्षा दंड धरी, इहर अग्रता में ना जानी व्यवहार, इहर ने इहारे ना भाई स्वतंत्र चरित्र अमर, लोकापेक्षा नहीं हर कृष्णा कृपा हैते, आमी लोकापेक्षा कभू ना परे छड़ीते। नित्यानंद प्रभु को तो कल हम चर्चा किए थे किस प्रकार उन्होंने, नित्यानंद प्रभु साथ रहने से महाप्रभु कुछ अपना कर ही नहीं सकते, नित्यानंद प्रभु उनके सब प्लानिंग चेंज कर देते हैं। तो रहे मुकुंद आए, मुकुंद बोले कि मुकुंद महाप्रभु के संन्यास धर्म को पालन करना देख करके वो बड़े दुखी होते हैं, और उनके दुख को देख करके महाप्रभु दुखी होते ही रोते हैं, तो इसलिए उनको भी निषेध किए। जगदानंद बोले, जगदानंद ऐसा है कि अगर बाय चांस कुछ हो गया, उनकी बात पर मेहमान आने में खटपट हो गया, तो 3 दिन तक खाएंगे नहीं पिएगे नहीं, बात नहीं करेगा, वो बैठ जाएंगे रूठ करके, तो उसको किसी में लेकर जाऊँ रास्ते में, हम तो इसे नटखट चलेगा। बाकी रहे दामोदर पंडित, वो तो मेरे ऊपर डंडा पकड़ कर बैठा है मुझे दंड देने के लिए, थोड़ा सा भी मेरा कोई व्यवहार इधर उधर किसके साथ हुआ, जिसको लोक में कुछ कहें, तो पहले से मेरे ऊपर बहुत मुझे शासन करने जा रहे हैं, और वो ब्रह्मचारी है, मैं सन्यासी हूँ, फिर भी मेरे ऊपर उनका प्रेम के कारण उनको कभी लोगों का चर्चा मेरे ऊपर उनका अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से आमी लोकापेक्षा कभू ना परे छाड़ीते, अतएव तुम्हें सब रह नीला चले, दिन कथो आमी तीर्थ भ्रमिव सकले, भ्रमिव एकले। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने ये उनके साथ जो चारों संगी थे उनके एक एक का निषेध करके उनको बताए लास्ट में कि आप लोग सो ये पुरी में नीलाचल में रहे, कुछ दिन तक मैं तीर्थ अकेला भ्रमण करके आता हूँ। इहा सवहार वस प्रभु है जे जे गुणे, दोष रूप छले करे गुण आस्वादने। ये बता रहे हैं कि महाप्रभु इन उनको जो संगी गण थे, परिकर गण थे, उनके सब दोष निकाल रहे थे। ये दोष निकालना उनके उद्देश्य नहीं था, दोष के द्वारा उनके गुण वर्णन करने थे कि उनके विशेष गुण क्या। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, ठीक से आवाज आ रहा है? यस महाराज। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। सभी सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके ओके जो होस्ट ने बोल दिया सबको, आपको सबको कर लिया। सवार बस प्रभु है जे जे गुणे, दोषारोप छले करे गुण आस्वादने। जिस जिस गुण के द्वारा महाप्रभु उनके बस हो चुके हैं, मतलब ये जो भक्तगण है उनका जो विशेष स्वभाव या गुण के द्वारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने वशीभूत कर चुके हैं, इसी गुण को दोष के रूप में महाप्रभु छल करके उनको वर्णन करके निषेध कर रहे हैं। आपने वैराग्य दुख करे न सहन,
चैतन्य रे भक्त वात्सल्य अकथ अकथ्य कथन, इसको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त वात्सल्य है उसको अवर वर्णना करना संभव नहीं है। अकथ्य कथन उनके भक्त वात्सल्यता, क्यों कि आपने वैराग्य दुख करण खुद आपने वैराग्य दुख को सहन करते हैं, सही दुख देखी जई भक्त दुख पाए। अगर उस दुख को देख कर कोई भक्त उनके अनुजाई कोई भक्त दुख पाते हैं, सही दुख तारा सकते सहन ना जाए। उस भक्त का दुख देख करके महाप्रभु गल जाते हैं, पिघल जाते हैं, वो सहन नहीं कर सकते हैं। गुण दोष उद्गार छले सभा निषेधिया, एकाकी भ्रमिवे न तीर्थ वैराग्य करिया। अब गुण दोष उद्गार छले सभा निषेधिया, इस प्रकार उनके गुण और उनके दोष को दिखा करके सबको निषेध करके अकेले तीर्थ भ्रमण करना जाएंगे, क्योंकि वो जो धर्म पालन करना चाहते हैं, जो वैराग्य आचरण करना चाहते हैं, उसमें जो कठोरता है, जो कष्ट है, जो कुछ नियम है, उसको ये जब उनके परिकर गण संगी गण उनके साथ में रहेंगे तो ठीक से पालन नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए किसी को साथ न लेकर अकेला जाना चाहते हैं, अकेला रहेंगे तो आप धर्म पालन ठीक से कर सकते हैं, और किसी का साथ रहेंगे वो करने नहीं देंगे, बोले नहीं ये ठीक नहीं। तो इसलिए ये सब का दोष गुण वर्णन करके उनको निषेध करके अकेले तीर्थ भ्रमण में जाना चाहते हैं। तबे चारि जन बहु मिनती करिल स्वतंत्र ईश्वर प्रभु कभु ना मानिल। तब वो चारो जो महाप्रभु के संगी थे नित्यानंद मुकुंद जगदानंद गदाधर, ये बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत मेहनती किए, प्रभु ऐसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनको उनका मन में और कुछ नहीं था, वो तो चाहते थे कि महाप्रभु को सुख में रहें, महाप्रभु की सेवा हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, ऐसे करके बहुत रिक्वेस्ट किए, बहुत मेहनत कर ले, लेकिन प्रभु तो ईश्वर हैं स्वतंत्र, वो नहीं माने, उनका एक भी नहीं माने। तब नित्यानंद कहे जे आज्ञा तुमार, दुख सुख हो कई कर्तव्य अमार। देखिए नित्यानंद प्रभु क्या बताते हैं, आचार्य हैं आदि गुरु नित्यानंद, कहते हैं ठीक है प्रभु, हम आपको बाध्यता नहीं करते हैं, कर भी सकते हैं बाध्य, क्योंकि आप स्वतंत्र है स्वराट, आप स्वतंत्र ईश्वर है, आपके जैसी इच्छा जो आज्ञा आप कहे हम वही करेंगे, और आपके आज्ञा का पालन करने के लिए अगर हमको दुख होता है या सुख होता है इसमें हम कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, आपके आदेश को पालन करने के लिए हमको कुछ भी तकलीफ उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम बिना कुछ कहे उसको आदेश को पालन कर ही हमारा कर्तव्य है, ही एक्चुअली सेवक धर्म है। अगर सेवक है तो आज्ञा पालन ही आपका धर्म है, आज्ञा पालन में आपको चाहे कितने कष्ट क्यों ना उठाना पड़े आप सहन करके उसको आज्ञा पालन करना, इधर इसको कहते हैं दुख हो सुख हो यही हमारा कर्तव्य है, हम बोल ही नहीं सकते हैं, हम आपको नहीं बोलते, हम तो सहन करेंगे आपकी जो इच्छा, हम आपके आज्ञा के अधीन है, आपका आज्ञा भले कुछ भी दुख हो जाओ हम सहन करेंगे। किंतु एक निवेदन करो हर बार, विचार करिया तहां करो अंगीकार। यही वस्तुतः सेवार तात्पर्य आदेश पालन, हमके आपके आदेश को पालन करने के लिए हमारे कुछ भी दुख हो सुख हो उसमें कुछ कंप्लेन ना करके उसको पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, यही वास्तविक सेवा धर्म है। इसे कहकर कहते हैं कि किंतु फिर भी एक निवेदन, फिर भी एक रिक्वेस्ट है, किंतु एक निवेदन करो हर बार, विचार करिया तर करो अंगीकार। आप विचार करके देखिए, अगर आपको लगता है तो आपको स्वीकार कर सकते हैं। क्या निवेदन करते हैं, न कोपी न बहिर्वास आर जड़ पात्र, आर किछु संगे नहीं जावे एई मात्र। देखिए महाप्रभु को विदा देते समय नित्यानंद प्रभु लास्ट रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं, बोले आप उसको विचार करके देखिए, बोले आपके जो लगेज जाएगा, आप तो अकेले जाना चाहते हैं जाइए, हम आपको बाध्य नहीं कर सकते,
लेकिन आप कुछ लगेज लेकर जाएंगे, लगेज में क्या क्या चीज बता रहे हैं, लगेज में क्या है, न कॉपी न बहिर्वास आर जल पत्र, तीन ही चीज उनका लगेज होता है, एक दूसरा कोई ड्रेस नहीं है। हम लोग कहीं जाते हैं तो हफ्ता दिन के लिए, कि हफ्ता से कम दिन के लिए भी पूरा एक सूटकेस भर के कपड़ा लत्ता लेकर जाते हैं, लेकिन महाप्रभु कुछ नहीं बोलते हैं, कोपी न और बहिर्वास। महाप्रभु के दिव्य शरीर में केवल इतना ही वस्त्र रहता था, एक कोपिन पहनते थे और ऊपर में एक उसको जोड़ जाड़ करके ऊपर नीचे उसको ढांक कर ओढ़ लेते थे, एक बहिर्वास होता था, बस एक कोपिन एक बहिर्वास, मतलब एक सेट एक्स्ट्रा। जिसमें पानी ले जल पात्र, इतना ही उनके लगेज है, एक जल पात्र और एक जोड़ी कोपिन और बहिर्वास, इतना ही आपका लगेज है। आरा किचु संगे नहीं जावे यही मात्र, और तो कुछ नहीं आपके साथ, इतना ही केवल लेकर जाएंगे। आमारा दुई तुम्हारा दुई हस्तबद्ध नाम गण ने जल पात्र बहिर्वास बहिबे के मने। लेकिन ये तीन तो आप लेंगे, ज्यादा तो आपको कोई लगेज तो है नहीं, इतना ही है। वो तो 2 किलो भी होगा कि नहीं, उससे भी कम है, इतना कम टोटल लगेज। लेकिन फिर भी उसको पकड़ने के लिए तो किसी हाथ में तो पकड़ेंगे ना, लेकिन आपके दुई हस्त, तुम्हारा दुई हस्त बद्ध नाम गणने, ये बता रहे हैं महाप्रभु के पास बीड नहीं था कि बीड व्याग नहीं था। कभी कभी जपमाला, कभी कभी जपमाला करते हैं, हम देखते हैं चित्र वगैरह में, लेकिन यहाँ नित्यानंद भाव कहते हैं कि उनके पास माला माला नहीं था, क्योंकि ये तो दंडी सन्यासी थे, तो जपमाला नहीं था, ना कंठी माला, ना जपमाला, ना तिलक, ना डंडा, ना कुछ नहीं था, जेनी फेमी कुछ नहीं था। तो बोलते हैं कि आप लेकिन जब तक करते हैं, जप माला हो या ना हो, बिड़व्याग हो या ना हो, कुछ ना हो, लेकिन जब तक करते हैं, बोलते हैं कि हमेशा अपने बद्ध दुई, तुम्हारा दुई हस्त बद्ध नाम गणने, मतलब राइट हैंड में, दक्षिण हाथ में, अंगुली में, पर्व में, अंगुल के पर्व में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ये मंत्र जप करके अंगुली रेखा को गणन करते हैं दक्षिण हाथ में, राइट हैंड में जब कर गणन करते हैं, और लेफ्ट हैंड में जब अंगुली पर्व पूरा होता है उसको काउंटिंग रखते हैं, संख्या गणन करते हैं। बोले इस प्रकार दो हाथ आपके ये नाम जप और उसका काउंटिंग रखना, इसलिए तो दो हाथ एंगेज्ड है, बीजिए दोनों हाथ काम में लग जाए। तो दुई हस्तबद्ध तुम्हार नाम गणने जल पात्र बहिर्वास बहिवे के मने, पर ये जल पात्र और ये कपड़ा आपको कैसे उठाएंगे, दोनों हाथ तो एंगेज्ड है, हाथ तो दो ही है आपका, हाथ दूसरा हाथ खाली नहीं, तो कैसे उसको लेके जाएंगे। और दूसरा प्रेमा वैसे पथे तुम्हें हवे अचेतन चल पत्र वस्त्र रवा करीबे रक्षण। बोले और केवल तो इतना नहीं कि आप जप करते हैं कपड़ा उठाने के लिए आपका हाथ नहीं एक्स्ट्रा, दूसरा आप तो कई बार प्रेम के आवेश में अचेत भी हो जाते हैं, सेंट्रेस होकर गिर पड़ते हैं, तो ये आपके जल पात्र वस्त्र को कौन रक्षा करेगा, आपको ही कौन उठाएगा, इसे उठा कर कौन करेगा। तो इसलिए कृष्णदास नाम ई सरल ब्राह्मण यहा संगे करी लिह धरनी वेदन। इसलिए एक ब्राह्मण है और साथ में जिसका नाम है कृष्णदास, ये बड़े सरल प्रकृति का है, न्यू डिवोटी है, अभी न्यू कमर है, तो उसको साथ में ले जाइए, वो आप ज्यादा उनको पहचानते नहीं, वो भी आपको ज्यादा जानते नहीं, अभी नया फ्रेश कैंडिडेट है, अब उसको साथ में ले जाइए। ये जल पात्र वस्त्र वही तुम्हारा संगे जावे, ये आपके जो जल पात्र वस्त्र आदि साथ में लेकर के आप साथ में जाएंगे, कृपा करके उनको, हम चार को तो जाएंगे नहीं, हम तो निश्चित कर दिए, लेकिन यो जो आपके अनजान है, आप जो नियम पालन करना चाहते हैं, कठोर निष्ठुर होकर आप अपने दुख कष्ट सहन करना चाहते हैं, हमको सहन नहीं होता आपके कष्ट, लेकिन वो बेचारे नया कैंडिडेट है तो जानते नहीं, आप जो जो इच्छा सो करो, वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, और केवल आपके लगेज
जो बहिर्वास और जड़ पात्र उसको धारण करके जाएगा, वहन करके जाएगा। जे तुम्हारा इच्छा करो किछु ना बोलिबे तबे तार वाक्य प्रभु, जड़ पात्र तबे तार वाक्य प्रभु करी अंगीकार, तारा सभा लिया गिलास। तो तबे तार वाक्य प्रभु करी अंगीकारे, यहाँ सभा लिया गला सार्वभौम घरे। तो महाप्रभु एक्सेप्ट कर लिए नित्यानंद को लास्ट को सुनो के नो प्रॉब्लम, आप सही रीजन बताए, सही चुक्ति दिए कि मैं तो जब करते रहूंगा, दोनों हाथ में तो बिजी रहेंगे, ये लगेज उठा तो नहीं सकता हूँ, तो कोई लगेज कैरियर होना चाहिए और मैं बार बार अचेत हो जाऊंगा तो टेक केयर करने के लिए, तो ठीक है। कृष्णदास को सिलेक्ट किया गया, वो महाप्रभु के दक्षिण गमन के साथी होंगे, उनके साथ में रहेंगे। तब महाप्रभु फिर सबको लेकर के सार्वभौम का घर में गए। अभी अभी सार्वभौम को आप नया परिकर के रूप में जन किए हैं, तो ये सभी को मतलब जितने भी संभी कृष्ण से सबको लेकर के महाप्रभु सार्वभौम घर में गए। यहाँ सब लगा गला सार्वभौम घरे, नमस्करी सार्वभौम आसन निवेदिल, सभा करे मिलिया आसने बसाइल। तो सार्वभौम घर में जब गए, सार्वभौम को देखे तो बड़े पंडित हैं, तुरंत सबको बैठने के लिए आसन दिए। ये गृहस्थ का धर्म होता है, अतिथि की सेवा कैसे करना होता है, अतिथि देव भव। तो तुरंत सार्वभौम पंडित बड़े पंच विज्ञ व्यक्ति हैं, सबको प्रणाम करके आसन दिए, आसन निवेदन किए, सभा करे मिलिया आसन बसाई लो, और सबको मिल करके मतलब यथा योग्य, क्योंकि सार्वभौम दी सीनियर मोस्ट थे, बड़े सम्मानीय और वयस्क भी थे, बड़े ज्ञानी भी थे, इसलिए किसको आलिंगन करके किसको आशीर्वाद दे करके, महाप्रभु संन्यास थे उनको प्रणाम करके, तो यथा योग्य सबको सम्मान देकर मिलन मिल करके सबको आसन में बैठा है। नाना कृष्ण वार्ता कही, कहिला तहारे तुम्हारा ठाई आईला आज्ञा मांगी बारे। बैठ करके कुछ समय बातचीत हुआ, क्या बातचीत हुआ, विषय क्या था, ना कृष्ण का था, कृष्ण के बारे में, कृष्ण की महिमा के बारे में कुछ ऐसे महाप्रभु ने बात किए, बातचीत कीजिए करने के बाद इमीडिएट अपने प्लान ने कुछ बातचीत हुआ, बैठने के बाद फिर आपने जो मेन सब्जेक्ट वो बताए किस लिए आए थे, ना तुम्हारा ठाई आई लाओ आज्ञा मांगी बारे, मैं आपके घर में इसलिए आया हूँ, आपसे मुझे आज्ञा चाहिए, परमिशन चाहिए। क्या परमिशन चाहिए मेरे से, सर हमको बड़े नम्र भाव से बोले, मैं आपका घर में आया हूँ आपसे आज्ञा लेने के लिए, क्या, न संन्यास करी विश्वरूप घिया छे दक्षिणे, अवश्य करीब आमी तार अस्वादने अन्वेषणे। बोले संन्यास लेकर के आप सबको पता है कि मेरे बड़े भाई विश्वरूप प्रभु, विश्वरूप जी वो संन्यास लेकर के दक्षिण भारत में गए हैं, तो मैं उनको ढूंढने के लिए मैं जाना चाहता हूँ, मैं अवश्य जाऊंगा उनके अन्वेषण करने के लिए। आज्ञा देह अवश्य मैं दक्षिण चली व, तुम्हारा आज्ञा ते सुखे लेउटी आसीव। तो हे सार्वभौम पंडित, कृपा करके आप मुझे परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए कि मैं सुखपूर्वक दक्षिण भारत जाऊं और भाई से मिल करके फिर सुखपूर्वक वापस आ जाऊं। आप बहुत सीनियर है, जगन्नाथ जी के कृपा पात्र पंडित है, तो आप कृपा आशीर्वाद देने से मेरा यात्रा सही रहेगा और आपसे परमिशन लेकर मैं जाना चाहता हूं, तो क्या मुझे आशीर्वाद दीजिए और जाकर मैं वापस जल्दी आ जाऊंगा। सुनी सार्वभौम हला अत्यंत कातर, चरणे धरिया कहे विषाद उत्तर। सार्वभौम जब सुने कि प्रभु दक्षिण भारत जाना चाहते हैं, तो उसको सुन करके संभाल नहीं पाए। सुनी सार्वभौम हला अत्यंत कातर, और कातर हो उठे, कातर हो करके क्या किए, न चरण धरिया कहे विषाद उत्तर, और बड़े दुख से गदगद हो करके चरण को पकड़ लिए, चरण पकड़ करके दुखी होकर बोलने लगे, विषाद होकर के बोलने लगे, उत्तर दिए क्या, बहु जन्म पुण्य फले पाइन तुम्हार संग, हे न संग विधि मोर करिले कभंग। बोले पता नहीं कितने जन्म के सुकृति, कितने बहु बहु जन्म के पुण्य के प्रताप से, पुण्य फल से आपके संग मिला था, अब क्या विधाता इतने निष्फल,
इतनी जल्दी इस संग फिर तोड़ना चाहते हैं, अब चले जाना चाहते हैं, है ना। संग विधि मोरे करीले के भंग, श्री वज्र पड़े यदि पुत्र मरी जाए, तहा सही द्वार विच्छेद सहन ना जाए। ये देखिए कितनी बड़ी बात सर्वभौम पंडित कहते हैं। अभी अभी हुआ होगा कि कुछ दिन हुआ होगा उन्होंने चेंज में, उन्होंने महाप्रभु के परिकर रूप में भक्ति आए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी इतने आकर्षण महाप्रभु के प्रति इतने उनके प्रेम हो चुका है। कहते हैं प्रभु बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति थे, लेकिन महाप्रभु का कुछ ही दिन का संग पा करके इतने पिघल चुके थे, इतने मुग्ध, इतने आकर्षित हो चुके थे कि महाप्रभु जब केवल कहे मैं जाऊंगा ऐसे उस दिन टूर में जाकर वापस आ रहा हूँ, ओ हो उसको सहन नहीं कर पे, बात सुन करके दुख में टूट पड़े, पैर पकड़ करके दुखी होकर बोले कि हे महाप्रभु आप ऐसा मत कीजिए, इतनी जल्दी आप छोड़कर चले जाएंगे और इस दुख को तोड़ना देते हैं कि अगर मेरे सर में वज्रपात हो जाए मैं मर जाऊं वो मंजूर है मुझे, मेरा एक ही बेटा है 16-18 साल का युवक, महाप्रभु के बृहद कितने बड़े दुख करके मानते हैं, सहन ना जाए। स्वतंत्र ईश्वर तुम्हें करीबे गमन, दिन कठोर रह देखी अपनार चरण, तुम्हार चरण। तो फिर बोलते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो तुच्छ जीव हूँ, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आप जब मन में डिसाइड किया आप तो जाएंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए रो रो कर बोले स्वतंत्र ईश्वर तुम्हें करीबे गमन, आप स्वतंत्र ईश्वर अब तो जाओगे ही, लेकिन एक मेरे बात मान लीजिए ना, बिना केतु रह देखी तुम्हारा चरण, कुछ दिन तुम मेरे यहाँ रुक जाइए, मैं मन भर करके आप थोड़ा दर्शन कर लूँ, आपके चरण दर्शन कर लूँ, आपकी सेवा कर लूँ, इतनी तो कृपा कीजिए मेरे ऊपर। ताहार विनय प्रभु र शिथिल हैल मन, रहिला दिवस कतो ना कैल गमन। सार्वभौम पंडित के ऐसे विनय वचन सुन करके, ऐसे रिक्वेस्ट सुन करके महाप्रभु महाप्रभु के हृदय गल गया, तो ने तुरंत अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, पोस्टपोन किए प्रोग्राम जाने का। तहार विनय प्रभु र शिथिल हैल मन, रहिला दिवस कतो ना कैल गमन। यहाँ गए नहीं, प्रोग्राम पोस्टपोन किए और रुक गए वहां, सार्वभौम की बात मानकर रुक गए। भट्टाचार्य आग्रह करी करे निमंत्रण, गृह प्राक करी प्रभु के कराय भोजन। तो महाप्रभु को दक्षिण भारत जाते जाते उनको रोक करके पुरी में रख दिए, तो फिर तो क्यों रखे उनको, दर्शन उनके संग लेने के लिए रखे तो संग। तो प्रतिदिन भट्टाचार्य महाप्रभु को बुला कर अपने घर में बुलाते थे और उनका सारे सेवा करने के लिए थे, भोजन करके महाप्रभु भोजन लेते, उनको भोजन भी देते थे, ऐसे बोलते हैं। भट्टाचार्य आग्रह करी करे निमंत्रण, गृह प्राक करी प्रभु के कराय भोजन। घर में कुकिंग करके, मतलब घर में कुकिंग, तभी जमा तो होटल था नहीं, फिर घर में कुकिंग करने का मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य ये कि वो चाहते थे तो मंदिर से प्रसाद मंगा सकते थे, जगन्नाथ प्रसाद, हाँ, और खिला सकते थे, नहीं घर में स्वयं, यद्यपि जगन्नाथ प्रसाद उनके एक पर्ची लिखने से कितने प्रसाद आ सकता था, वो तो इंचार्ज ही थे, मेन थे, लेकिन फिर भी सेवा तो ही है, बाहर से लाकर खिलाना सेवा नहीं है, स्वयं कुकिंग करके और बैठ करके खिलाना, ये है भक्ति। इसलिए हम कहते हैं जिससे हम लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को हम खिला तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हम भगवान को भोग लगाएंगे, जब हम खुद कुकिंग करें, जो माला बनाते हैं, अगर माला खुद बनाए, माला कपड़ा ऐसे जो वस्त्रादि जो सब खुद अपना हाथ में ठाकुर जी के लिए जितना संभव जो करें, तो वही सेवा ही भक्ति होगा। तो हर चीज फटाफट खरीद के ले आए बाजार से, ये सेट से बनी बनाई चीज, इसमें भक्ति नहीं होता। इसमें जो भक्तिमय सेवा को बेच देते हैं।
तो इसी को यहाँ कहते हैं गृह प्राक करी प्रभु के करा भोजन, क्योंकि उनका सुविधा था, उनको खरीदना नहीं पड़ता था। एक इशारा करने से जगन्नाथ महाप्रसाद कितने आता था, महाप्रसाद खाने के लिए कौन इच्छा नहीं करेगा, कौन खुश नहीं होगा। लेकिन नहीं, वो पर्सनली व्यक्तिगत सेवा करना चाहते हैं, पति पत्नी दोनों स्वयं उनको मन जान करके जैसे उनकी इच्छा इस प्रकार से इतने परिमाण में उनको खिलाना चाहते हैं। तो इसलिए बिल्कुल घर में बना कर गरम गरम उनको प्रसाद खिलाए, कुछ दिन घर में रख करके कराए भोजन। तहार ब्राह्मणी तार नाम साठीर माता, रांधी भिक्षा देना ते हूँ आश्चर्य तार कथा। अब कौन कुकिंग कर रहा था, सरवण पंडित जाते थे सवन फोन लाने के लिए, मार्केटिंग करना, सब्जी लाना, कुकिंग कौन न करना था, न तहार ब्राह्मणी, सरवण पंडित तो ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी ब्राह्मणी जिनका नाम था साठीर माता। साठीर माता कहने का मतलब है उनके जो बेटी का नाम था साठी, तो साठी के माँ हुए उनके पत्नी सर्वभौम की वाइफ, जिनको साठीर माता कहते हैं। तो तहार ब्राह्मणी नाम साठीर माता, रांधी भिक्षा दे नते हो आश्चर्य तारक था। और साठीर माता कुकिंग ऐसा करती थी, क्या आइटम स्पेशल, कितने वैरायटी से करती थी, आश्चर्य तारक था उनका जो कुकिंग, जितने वैरायटी, जिस प्रकार टेस्टी प्रसाद बनाती थी, वंडरफुल, बोले ये तो रियली आश्चर्य। कविराज उस समय भगवान भी आश्चर्य होते थे, क्या कुकिंग। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रभुपाद जी वही क्या करते थे, स्त्रियों का ही एक विशेष धर्म है, विशेष होना चाहिए उनके ज्ञान कि दिस शुड बी एक्सपर्ट कुक, कुकिंग में बहुत उनका ज्ञान होना चाहिए। तो साठीर माता जी से कुकिंग कर रहा था, महाप्रभु प्रसन्न हो गए, भगवान को इसी गुण के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है, और फिर भक्त को और बाकी दूसरे को प्रसन्न करने, जो स्त्री कुकिंग कला में बहुत एक्सपर्ट होगा वो तो अपने पति पुत्र सबको इकट्ठा कर सकता है, जो भी उनके बंधु बांधव सबको खुश रख सकता है केवल प्रसाद खिला करके। तो तहार ब्राह्मणी रांधी भिक्षा देन थे आश्चर्य तार कथा, आश्चर्य भाव से आइटम बना करके खिलाती थी। आगे तो कहिव तहा करिया विस्तार, एवे कही प्रभुर दक्षिण यात्रा समाचार। किस प्रकार वो कुकिंग करके महाप्रभु को खिलाती थी ये तो मैं आगे बताऊंगा डिटेल, अभी दक्षिण यात्रा चल रहा है, उसे दक्षिण टूर के बारे में डिटेल वर्णन करते हैं। दिनाचारी रही प्रभुर भट्टाचार्य स्थाने, चली बार लागी आज्ञा मागिल अपने। तो कुछ दिन हफ्ता भर शायद यहाँ रुक गए सर्वभौम टचर के घर में, रुक करके उनके प्रसाद लिए, खूब उनको संग दिए, उनके खा पी कर फिर बोलने लगे, परमेश्वर आगे बोले अब तो हो गया ना, अब तो चंद रुका। दिना चारी रही प्रभु भट्टाचार्य सन, चार दिन रुक गए भट्टाचार्य, भट्टाचार्य घर में रुक गए थे, अपने घर में नहीं, भट्टाचार्य स्थाने, भट्टाचार्य घर में चार दिन रुके, रुक करके खूब जितना मर्जी वो खिलाया। फिर चार दिन रुकने के बाद चली बार लागी आज्ञा मांगी लो आपने, फिर दोबारा परमिशन मांगा कि अब सर्वभौम जी अब हो गया ना, अभी परमिशन दीजिए। प्रभु आग्रह भट्टाचार्य सम्मत होइला, अब बार बार प्रभु रिक्वेस्ट करें, भट्टाचार्य को उपाय नहीं था, जिनके कहने पर प्रभु जी राजी होकर के रुक गए थे, अभी तो उनको मना नहीं कर सकते। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने प्रभु के आग्रह के कारण सम्मत हो गए, बोले ठीक है अब क्या कर सकता हूँ, जाइए। प्रभु तारे लया जगन्नाथ मंदिर गला, जिसे सर्वम पंडित राजी हो गए, ठीक है अब क्या करें, हम रोकते नहीं, आप जाना चाहिए जाइए और क्या। तो फिर महाप्रभु बोले तो चलिए जगन्नाथ जी के पास चलते हैं, तो सर्वम पंडित को साथ ले करके महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन में गए। दर्शन करी ठाकुर पासे आज्ञा मांगलो, पुजारी प्रभुरे माला प्रसाद लो। देखिए कहीं और स्थान को जाना है, जब हम कृष्ण केंद्र के परिवार, कृष्ण को हमारे मालिक, हमारे प्रभु, हमारे इष्ट सब कुछ मानते हैं, तो कहीं भी जाना हो किस काम में उनसे परमिशन, अपना जो बंधु वर्ग आत्मीयगण स्वजन परिवार उनको तो बताना ही है, लेकिन उनके साथ साथ भगवान से भी परमिशन लेकर के जाना होगा। देखिए ये महाप्रभु अपने आचरण से ये धर्म शिक्षा देते हैं, जाना चाहते हैं तो जगन्नाथ जी से परमिशन लेना पड़ा, बाकी सबसे तो हो गया, लेकिन ठाकुर जी को परमिशन लेकर उनके आज्ञा लेकर के फिर जाना पड़ेगा। इसलिए जगन्नाथ दर्शन में गए,
और जा करके ठाकुर पास से आज्ञा मांगी लो, जय जगन्नाथ जी के पास आज्ञा प्रार्थना किए, और जैसे प्रार्थना किए तो पुजारी प्रभु रे माला प्रसाद आने दिला, तो माला जगन्नाथ जी ने अपने माला रूप में अपने परमिशन दिए, आज्ञा दिए, माला प्रसाद आने दिला। तो हम लोग को भी यही नियम है, कहीं भी जाएं प्रभु से परमिशन लेकर उनको पूछ कर जाएं, कहीं से आए फिर उनको दर्शन देकर उनको रिपोर्ट दें कि ऐसा हुआ करके, क्योंकि घर के असली मालिक यही हैं। तो मालिक के साथ जैसा हम व्यवहार करते हैं घर में, आना जाने में सब प्रकार बात कहना सब उनको सुनना, ठीक इसी प्रकार हम जो कृष्ण को ही अपने घर के मालिक मानते हैं तो मालिक की तरह केवल मानने नहीं व्यवहार भी करना पड़ेगा। कहीं जाए तो उनके पूछ कर जाएं, कहीं अच्छा बुरा दुख सुख हुआ उनसे बातचीत करें, वो आकर रिपोर्ट भी बताएं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी से जा करके प्रार्थना किए, आज्ञा मांगे, जगन्नाथ जी ने कृपा करके अपने आज्ञा माला अपने प्रसाद माला भेजे, उसको लेकर के आए। आज्ञा माला पाया हर से नमस्कार करी, आनंदे दक्षिण देशे चलिला गौर हरी, हरी 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 बोल। तो जगन्नाथ जी के प्रसादी माला आज्ञा प्राप्त करने के बाद बड़े प्रसन्न चित्त होकर के महाप्रभु साउथ इंडिया टूर शुरू किए, यात्रा शुरू किए। दक्षिण गौरी भट्टाचार्य संगे आर जत निजगण, जगन्नाथ प्रदक्षिण करी करिला गमन। और भी वाक्य और एक क्रिया किए ना क्या, परमिशन मांगे, प्रार्थना किए, जगन्नाथ जी के माला मिला प्रसादी माला, उसको साथ में लेकर के फिर सभी को लेकर जगन्नाथ मंदिर की परिक्रमा किए। प्रदक्षिण, प्रदक्षिण दक्षिण में रख करके चलना, उसको प्रदक्षिण बोलते हैं। अच्छा, राइट में रख करके मंदिर को ठाकुर जी को प्रदक्षिणा के, अब विष्णु मंदिर को चार परिक्रमा करना चाहिए, प्रदक्षिणा आदि करके फिर उन्होंने करिलागमन। समुद्र तिरे तिरे अलानाथ पथे, समुद्र के किनारे किनारे अलानाथ करके एक जगह है, उस उसकी ओर चलने लगे, अलानाथ पथ उसके रास्ता पर चलने लगे। सार्वभौम कहिला आचार्य गोपीनाथे, चारी गोपीना बहिर्वास रखिया छे घरे। तो सार्वभौम पंडित गोपीनाथ आचार्य जो उनके साला है, उनके सड़ू है, विनयी है, सार्वभौम के सिस्टर को गोपीनाथ शादी किए थे, तो गोपीनाथ के सार्वभौम होंगे साला और सार्वभौम के गोपीनाथ होंगे जीजाजी। तो उनके जीजाजी को जो महाप्रभु के परिकर थे उनको सार्वभौम पंडित बुलाए, बुला कर के लिए मेरे कुछ उनके महाप्रभु के लिए कुछ सामान रखाऊं, ले आओ। क्या सामान रखाऊं, ना चारी कोपिन और चारी बहिर्वास, मतलब चार सेट ड्रेस, महाप्रभु के पास एक ही केवल एक्स्ट्रा ड्रेस है ही नहीं, कभी कोई बारिश में नहीं सूखा गीला हो गया, कभी तो रात दिन नाश्ते फिरते रहते हैं, और कपड़ा चेंज करना हो है ही नहीं कपड़ा, तो मैं एक्स्ट्रा चार सेट मतलब घुटता है चादर नहीं, चार कोपिन और चार बहिर्वास। चारी कोपिना बहिर्वास राखी अच्छे घरे, मतलब घर में बनाकर मैं रखा हूँ, और तहाँ प्रसाद अन्ना लिया आई सभी पर द्वारे, और केवल वस्त्र नहीं रखा हूँ, महाप्रसाद अन्ना, और महाप्रसाद अन्न मतलब जो कैरी करेंगे रास्ता में, तो कुछ होटल फुटल जाने नहीं था। आजकल इतने होटल और हर एक प्रकार के खाना पीने की सुविधा होने पर भी हम लोग कितने बटोर करके लेकर जाते हैं, मीठा नमक, तो महाप्रभु तो कुछ नहीं लेते लगे, केवल उनके कपड़ा और जलपत्र था, लेकिन सारों पंडित बड़े मैच्योर व्यक्ति हैं, उन्होंने कई सूखा प्रसाद मीठा प्रसाद सब पैक करके रखे थे, बोले वो भी सब ले आओ, ये कपड़ा चार सेट ले आओ, और इतने प्रसाद महाप्रसाद में रखा सूखा जो महीना दिन तक चल सकता है, खराब नहीं होगा, ये प्रसाद ले आओ। तो एक ब्राह्मण के द्वारा ये वस्त्र और प्रसाद मंगा लिए। तब ये सार्वभौम कहे प्रभु र चरणे, अवश्य करीबे मोर यही निवेदने। तब रास्ते में जाते समय सार्वभौम पंडित ने और एक रिक्वेस्ट की, एक निवेदन किए, बोले प्रभु एक निवेदन मेरा और ग्रहण कीजिए, इसको आप जरूर पालन कीजिए। क्या है, राय रामानंद अच्छे गोदावरी तिरे, अधिकारी है न ते हो विद्यानगरे। बोले एक व्यक्ति जो यहीं के हैं, पुरी के रहने वाले हैं, लेकिन ही इज डूइंग जॉब, वहाँ काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं,
क्या नौकरी कर रहे ना राय रामानंद दास गोदावरी अधिकारी है ना ते हो विद्यानगर राजा का रिप्रेजेंटेटिव है, बड़े अधिकारी है, मतलब यहाँ के कलेक्टर है, यहाँ के डीसी है वो, प्रभुपाद लिखते हैं गवर्नर है, राज्यपाल थे दक्षिण भारत के, जब राज्यपाल थे तो उन्होंने उनके साथ अवश्य मिलना अपने कहाँ रहते ना गोदावरी नदी के पास में गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, और राय रामानंद करके व्यक्ति हैं जो यहाँ के हैं लेकिन यहाँ के गवर्नर हैं, विद्यानगर के रहते हैं। शूद्र विषय ज्ञाने तारे उपेक्षा ना करीबे हमार वचन तार अवश्य मिलीबे। तो महाप्रभु कहते हैं कि उनको एक शूद्र है विषय है ऐसे सोच करके उनको रिजेक्ट मत करना, अवश्य उनसे मिलना। क्योंकि महाप्रभु जब किसी को मिलना चाहिए बोले सन्यासी है तो उनके हिसाब से मिलेंगे, किसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बोले शूद्र है उनसे क्या मिलना है, तो इसी को रिक्वेस्ट करते हैं सारव पंडित, बोले नहीं नहीं कृपा करके जरूर मिलना, ऐसे उन्होंने नेग्लेक्ट मत करना कि अरे ये क्या शूद्र है और विषय है, ऐसे करके उन्हें नेग्लेक्ट मत करना। शूद्र विषय ज्ञाने तारे अपेक्षा ना करी वे, उसको नेग्लेक्ट नहीं करने का, हमारे वचन तारे अवश्य मिली वे, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अवश्य उसको साक्षात करना मिलना उनसे। तुम्हार संगे रजोग्य ते हो एक जन पृथ्वी ते रसिक भक्त नाही तारसम। बोले सचमुच में बताता हूँ आपके जैसे गुण स्वभाव है आपके लायक व्यक्ति कोई अगर है तो यही रामानंद ही है। तुम्हारा संगेर योग्य नहीं ओक जन, मैं तो देखता हूँ मेरा विचार में आपके साथ एसोसिएशन करने का आपके संग लेने का एकमात्र योग्य व्यक्ति श्री रामानंद ही है। पृथ्वी ते रसिक भक्त नहीं तारसम, मैं तो सारे पृथ्वी में उनके तरह कोई रसिक भक्त और नहीं देखता हूँ। पृथ्वी ते तार भक्ति रस आर भक्ति रस तार पांडित्य आर भक्ति रस द्वार ते हो सीमा संभाषिले जानी में तुम्हें तहार महिमा। बोलते हैं कि केवल अच्छे भक्त नहीं है पृथ्वी ते रसिक भक्त, ऐसे रसिक भक्त नहीं है, बहुत बड़े पंडित है, वेरी लर्निंग स्कॉलर व्यक्ति हैं। पांडित्य और भक्ति रस दुहार ते हो सीमा, बोले पांडित्य और भक्ति ये दोनों का सीमा है, वो तहार सीमा अलौकिक वाक्य चेष्टा तारा न भजिया, और उनका चेष्टा भी अलौकिक है उनके वाक्य भी अलौकिक है। अलौकिक वाक्य चेष्टा तारा ना भजिया बुझिया परिहास करिया अच्छे वैष्णव बोलिया। बोले क्यों इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, बोले प्रभु मैं क्या बताऊं ये तो यहीं के रहे और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैं उनको पहले ठट्टा कर रहा था परिहास कर मजाक उड़ा रहा था उनका, क्यों ना वैष्णव कह करके कैसे, बोले सरहम पंडित तो पहले अद्वैतवादी थे तो रामानंद राय वो थे वैष्णव विष्णु भक्त थे, तो अद्वैतवादी पूरे तभी जमाने में पूरे भारतवर्ष में शंकर संप्रदाय के बड़ा बोलबाला था, अद्वैतवाद के भारी प्रचार था, आज भी कई जगह है वैष्णव। तो सार्वभौम प्रभु कट्टर अद्वैतवादी थे, शंकर संप्रदाय के सपोर्टर थे, तो उनका जो समझ है उनका मतामत में यह है कि जीव और ईश्वर अलग नहीं है, एक ही है। जीव जो है अभी ईश्वर के ईश्वर के अंशर है, हम ब्रह्मास्मि मैं वही ब्रह्मास्मि सो अहम मैं वही हूँ, अभी थोड़ा दुनिया में आकर थोड़ा दुख यंत्रणा भोग कर फंस गए लेकिन अब फिर मुक्त हो जाऊंगा तो मैं वही हूँ, उसमें क्या अंतर क्या है। तो इसलिए वो अलग नहीं मानते हैं, और फिर भगवान से थोड़ा किस कारण से इसे आ जाते हैं फिर उसको साधन भजन करके निकल जाएंगे तो फिर भगवान हो सकते हैं, उनकी भावना था। लेकिन वैष्णव का क्या भावना होता है, वो अपने आप को हमसे छोटा मानते हैं और ईश्वर को अलग मानते हैं, बोलते हैं हम ईश्वर हो नहीं सकते हैं, और ईश्वर को सेवा भावना चाहते हैं, ईश्वर सेवा कर ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। तो लेकिन जो मायावादी गोष्ठियों का विचार क्या होता है, वो ईश्वर को इतने बड़े तो नहीं मानते हैं, बोलते हैं हम जैसा है वो भी है, तो अभी ठीक है सेवा करेंगे उनके
लेकिन जितना कम से कम जरूरत हो इतना करेंगे ये सब। तो इसलिए उन्होंने जो अद्वैतवादीगण होते हैं वो ठाकुर की तो मानते, उन्हें सेवा किस लिए करेंगे? बोले ठाकुर तो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, उनका तो कोई आकार नहीं, रूप नहीं, कोई गुण नहीं, तो कैसे सेवा किया जाए उनकी? किस पर सेवा करें? और सेवा करे भी कौन, क्योंकि वो भी ब्रह्मा हम भी ब्रह्मा, कौन किसकी सेवा करे? हम दोनों समान है। तो इसी प्रकार से ये सेवा वेवा करने को हंसी मजाक उड़ाते, बोले क्यों नहीं यार, यहाँ ऐसा करना ब्रह्म है। तो वो रामानंद हमेशा सेवा कांक्षी है, जो वैष्णव है वो तो बस और कुछ नहीं, वो तो केवल भगवत सेवा ही उनके मूल काम में वस्तु है। तो इसलिए उनको मजाक उड़ाते थे, उनको ठट्टा परिहास करते थे उनके ऐसे विचार को देख करके। इसी कहते हैं, बोले मैं जो पहले अद्वैतवादी था, अभी तो आपके कृपा से मैं समझ में आ गया था, अभी मैं समझ नहीं रहा था, और हमारे दर्शन को बड़े महान मानता था, इस हिसाब से वैष्णव दर्शन को क्रिटिसाइज करके उनको मजाक उड़ा करके ठट्टा परिहास करता था उनके साथ। तो ही बोलता है, परिहास करिया छे वैष्णव बोलिया, अलौकिक वाक्य चेष्टा तारो न बुझे। बोले मैं उनके वाक्य जो उनका विचार जो उनका कहना था वही मैंने सुना हूं, और उनकी चेष्टा वाक्य जो वैष्णव गण होते हैं उनका वाक्य तो हमेशा कृष्ण वर्णन होता है, कृष्ण के गुणगान करते हैं, कृष्ण नाम करते हैं, कृष्ण के लिए भजन गाते हैं, यही उनका वाक्य होता है। और चेष्टा कृष्ण प्रसन्नता, कृष्ण की सेवा करने के लिए जो जो भिन्न प्रकार की सेवा, वही उनकी चेष्टा होता है। तो इसलिए वाक्य और चेष्टा उनके जिस प्रकार था, जिस प्रकार भगवत सेवा के प्रति रुचि रखते थे, वही कर्म करते थे और वही कथा बात कहते थे। और चेष्टा आया सेवा आदि की चेष्टा, तुम्हारा प्रसाद अलौकिक वाक्य चेष्टा तर ना भुजिया। तो उनके वाक्य और उनका चेष्टा अलौकिक था, उसको समझ नहीं पा रहा था। परिहास करिया छे वैष्णव बोलिया, तो उनको वैष्णव बोल करके बहुत बड़ी का परिहास किया हमने। तुम्हारा प्रसाद जानीला तार तत्व संभाषिले जानी बे आर जय मना महत्व। बोले आपके प्रसाद से मैं जितना आपकी इच्छा को जाना हो और भक्ति के महिमा को जानता हूँ, तुम्हारा प्रसाद जानता। अभी फिर मैं चलता रे 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 रामानंद बिल्कुल सही कह रहे थे, इस तत्व ज्ञानी हो। तुम्हारा प्रसाद जानता तत्व संभाषिले जानी बे तारा जीवन महत्व। उनके साथ बागर के बात किए बिना, उनके साथ संभाषण किए बिना उनको आप समझ नहीं सकते। संभाषिले जानी बे तारा जीवन महत्व, अंगीकार करी प्रभु तहारा बदन वचन, तारे विषाद दीते तारे कैल आलिंगन। तो अंगीकार करी प्रभु तहार वचन, उनके कहना को स्वीकार कर लिए। उनके कहना को प्रभु स्वीकार किए और तारे विदा दीते तारे कैल आलिंगन, और उनको विदा देने के लिए उनको आलिंगन करके उनको विदा दे। ठीक है ठीक है, कहिए हरे कृष्ण भजी तुम्हार करिय आशीर्वाद, हरे कृष्ण भजी मोरे करिय आशीर्वाद, नीला चले आमी जेना तुम्हारा प्रसाद। और जो विदा दे रहे थे सर्वों को, क्या बोल करके विदा दिए? तारे विदा दीते तारे कैले आलिंगन, सबसे पहले आलिंगन किए सर्वों को। जब बहुत दूर आगे 15 किलोमीटर करीब, बोला अभी घर में जाइए, तो उनको आलिंगन करके बात कहकर विदा दे रहे हैं। तो उनको आलिंगन करके विदा देने के समय हरे कृष्ण भक्त हरे कृष्ण भजी मोरे करिए आशीर्वाद, तो उनको उपदेश दिए कि आप जाइए आलिंगन करके तो घर में कृष्ण भजन कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मिला चले आशी जना तुम्हारा प्रसादे, एत बोली महाप्रभु करिला गमान। तो ये उपदेश दिए कि घर में जाओ,
कृष्ण की भजन करो और मुझे आशीर्वाद रखो, नीलाचले आशीजे ना तुम्हारे जैसे मैं नीलाचल फिर वापस आ सकूं ऐसे मुझे आशीर्वाद दीजिए। एत्त बोली महाप्रभु करिला गमन, मूर्छित हया तहां पड़िला सार्वभौम। अब जो इसे समझा करके आलिंगन करके महाप्रभु जो निकलना चाहते निकल गए, सार्वभौम को हट फेल हो तुरंत संस्कृत होकर गिर पड़ेगा नाम कर। तो इस प्रकार महाप्रभु ने बड़े निष्ठुर भाव से बड़े निर्मम रूप से सर्वों को मूर्छित हुआ दशा करके मूर्छित हया पड़ेला सर्वों तारे उपेक्षा कैला शीघ्र गमन। अब जैसे सर्वों मूर्छित होकर गिर पड़े महाप्रभु फटाफट चले बोले चलो चलो चलो। के बुझिते परे महाप्रभु रचित मान, महान भवे रचित स्वभाव पुष्प समा कोमल कठिन वज्रमय। तो बुझते पारे महाप्रभु चित्तमान, कि महाप्रभु के गुण बताते हैं कि सर्वहं इतने उनके प्रेमास्पद थे, जिनके घर में गए उनसे परमिशन लेने के लिए, जिनके कहने पर उनके प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिए, और जिनके साथ इतने अच्छे संबंध था उनके घर में रह करके बोले कि हमारा थोड़ा खा कर जाइए, चार पांच दिन उनके घर में रखे प्रसाद लेते, इतने नजदीक उनका संबंध इतना गहरा संबंध था। आज चल करके इतना दूर आए, आने के बाद अब जब जाने के बोले नहीं विदा, उनको आलिंगन देकर विदा दिए, तो सर्वम पंडित ने इस विदा को सहन न करके वह मूर्छित होकर गिर पड़े। इस मूर्छित अवस्था में महाप्रभु तुरंत शीघ्र चल पड़े। के बुझीते पारे महाप्रभु रचितमान, अब इस अवस्था में चला जाना ये तो बड़े कठोर बात है। तो इसी बोलते के बुझीते पारे महाप्रभु रचितमान, महाप्रभु के चित्त कैसा है, उनके मन कैसा है, कौन समझ सकता है। महान भवर चित्तेर स्वभाव यही है, पुष्प समा कोमल कठिन वज्रमय। बोले बड़े बड़े महापुरुषों का यही लक्षण होता है क्या ना, कभी कभी तो फूल जैसा कोमल, इतने मुलायम हृदय, इतने मुलायम फूल जैसा कठोर, और कभी कभी वज्र से भी ज्यादा कठोर है, वज्र से ज्यादा कठोर नियम है। तो ऐसे महापुरुषों के लक्षण होता है। लोकोत्तराण चित्त सी कोई अज्ञान से नित्यानंद प्रभु भट्टाचार्य उठाइल, तारा लोक संगे तारे घरे पाठाइल। तब महाप्रभु चले गए, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु इशारा करके गए कि आप हेल्प करो, महाप्रभु सर्वों को उठा करके भेजो। तो नित्यानंद प्रभु भट्टाचार्य को उठाए, उठा करके तारा लोक संगे तारा घरे पठाइल, और उनके चार चार लोग आए थे उनके साथ में, उनको बुला करके उनके साथ में उनके घर में भेज दिए। नित्यानंद प्रभु भट्टाचार्य उठाई ला, लोक संगे तारे घरे पठाई ला। भक्त गण शीघ्र सी लैल प्रभु साथ, वस्त्र प्रसाद लैया तवे लैला आईला गोपीनाथ। सब जल्दी जल्दी आकर उनके साथ में हो गए। रक्त प्रसाद लिया तभी कही देख। तार नित्यानंद प्रभु भट्टाचार्य कुछ मूर्छित अवस्था में उठा करके उनके जो लोग उनके साथ में आए थे उनके साथ में घर भेजे। भक्त गण शीघ्र सी लैल प्रभु साथ, वस्त्र प्रसाद लया तबे आयला गोपीनाथ। तब बाकी जो भक्तगण थे तुरंत फटाफट आकर महाप्रभु साथ हो गए। गोपीनाथ जी जो वस्त्र और प्रसाद के लोगों के द्वारा मंगाए थे वो सब लेकर आके पहुंचे। सभा संगे तबे प्रभु आलानाथ आयला, नमस्कार करिता रे बहु स्तुति कैला। तो इस प्रकार कुछ देर में महाप्रभु आलानाथ आकर पहुंचे।
नमस्कार करी तारे बहुत स्तुति कैला तो आकर नारायण के दर्शन करके के बहुत स्तुति की उनके प्रेमावेश नृत्य गीत कैल कत क्षण देखते आईला तेह वैसे जत जन अब जो सुरमा भगवान है अलानाथ जो नारायण है उनको दर्शन किए जा करके सभा संगे प्रभु अलानाथ आयला आयला गोपीनाथ गोपीनाथ जब कपड़ा लत्ता लेकर आए उनसे सामान लेकर के सबको लेकर के अलानाथ आके पहुंचे। अलानाथ में आकर के भगवान को दर्शन किए और बहुत स्तुति किए और प्रेम से नृत्य कीर्तन भी किए नृत्य गीत गाय लगा देखे ते आयला जहाँ वैसे जतजान चतुर्दिगे लोक सब बोले हरी हरी प्रेमावेश मध्य नृत्य करे हो रंग गौर हरी प्रेमावेश नृत्य कित कैल कथ क्षण देखते आईला तहा वैसे जत जान। तो कहते हैं कि जब अलानाथ पहुंचे स्तुति किए भगवान को दर्शन किए तो फिर वहां नृत्य कीर्तन शुरू किए प्रेमावेश नृत्य कीर्तन कैले कथन प्रेम के आवेश में आकर के नृत्य करने लगे और कीर्तन गाने लगे भगवत नाम कीर्तन करने लगे। तो वो जब किए देखते आईला तहां वैसे जत जान वहां आसपास में गांव में जितने लोग रहते थे सभी लोग उनको देखने के लिए आए। चतुर्दी के लोग सब बोले हरी हरी प्रेम आवेश मध्य नृत्य करे गौर हरी चतुर्दी के चारों तरफ से वो इस एरिया में अल्लाहनाथ के एरिया में जितने गांव के लोग थे सारे लोग आ गए देखने के लिए। देखते आईला तहा वैसे जत जान जितने लोग यहाँ बैठते थे आसपास गांव में सब आ गए चतुर्दी के लोकमय हो गया और आकर के सभी हरी हरी बोल लेते थे प्रेमावेश मध्य नृत्य करे गौर हरी प्रेमावेश मध्य नृत्य करे गौरी हरी प्रेम कावेश में आकर के नृत्य गीत करने लगे। कांचन सदृश देहा भक्तगण धना पुलकाश्रु कंप सुहते भूषण कांचन सदृश देह अरुण वसन पुलकाश्रु कंप स्वेद तहते भूषण। अब महाप्रभु जो सारे लोग आए देखने के लिए उनके रूप को वर्णन करते हैं कैसे उनका रूप था महाप्रभु जो लोग देखे क्या ना कांचन सदृश देह अरुण वसन उनका शरीर बिल्कुल चमचमाते हुए सोने के रंग था कांचन सदृश देह और उसके ऊपर पीले कपड़ा के धोती पहने हुए थे अरुण वसन पुलक अश्रु कंप स्वेद तहते भूषण और शरीर का रंग क्या था ना पुलक सारे रोम खड़े हुए थे अश्रु आंख से आंसू बह रहा था कंप 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 आ गया था पुलक श्रु कंप स्वेद तहारे कुरान। तो ये जो सब सात्विक विकार है ये एक बार सोने के जैसा शरीर में ये सब सुंदर सात्विक विकार गण देखा पड़ा देखिए लोकर मने हेला चमत्कार जतो लोक ऐसे के हो नहीं जाएगा। अरे हरे कृष्णा अब जितने लोग आए थे सब महाप्रभु के इसे संकीर्तन करते हुए रूप को देख करके महाप्रभु के जो ऊर्ध्वबाहु हो करके इतने लंबे चौड़े शरीर और बिल्कुल सोने जैसे शरीर में अब पुलक अश्रु कंप सब द्वारा आभूषित होकर जो कीर्तन कर रहे थे उनको देख करके लोग आश्चर्यचकित हो गए चारों तरफ से। देखिया लोकर मने हेला चमत्कार चतो लोग ऐसे के हो नहीं जाए घर और जितने लोग आए सब भूल गए कि घर वापस नहीं जाते। जिस प्रकार भी लोग जहां जैसे आते हैं कोई छोड़कर घर जाना नहीं चाहते
काम से जा, उनको देखते ही रह गया सब क्यों ना जाए तारा घर, ठीक है ना, कोई उनको दर्शन छोड़कर भूल गए सब घर का काम दाम, सब भूल करके मुग्ध चकित होकर के उनको देखने लगे। जत लोग का ऐसे केहो ना जाए घर, केहो ना चेक के उनको काम दाम घर सब परिवार छोड़ करके उनको देखे, ऐसा बात नहीं है। जितने थे स्त्री वृद्ध बालक, बोले जितने बूढ़े थे, जितने बालक थे, जितने बच्चे थे, स्त्री थे, बूढ़ी थे, सभी लोग जो आए आकर्षित होकर चकित हो देख करके, वो देख नहीं रहे थे केहो नाचे केहो गाए। कुछ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग गा रहे थे, क्या गा रहे थे, श्री कृष्ण गोपाल प्रेमेते भाषी लोक, स्त्री वृद्ध जुवा और बाल, स्त्री लोग, वृद्धा लोग, युवक लोग, बालक लोग, ये सब प्रकार के लोग आकर के प्रेम में मग्न होकर के नाचने लगे और मुख में केवल श्री कृष्ण गोपाल श्री कृष्ण गोपाल ये मंत्र उच्चारण करते थे। देखिए नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, ऐ रूपे नृत्य आगे हवे ग्रामे ग्रामे। अब इतने हजार संख्या के लोग चारों तरफ भीड़, महाप्रभु बीच में नृत्य कर रहे हैं, महाप्रभु केवल नृत्य नहीं कर रहे हैं, जितने लोग आए थे उनको भी पता नहीं, सब अपने को देह स्मृति भूल करके काम दाम घर बाड़ी सब भूल करके सब नाच रहे गा रहे हैं, सारे लोग इस अद्भुत प्रेम पराकाष्ठ को देख करके नित्यानंद प्रभु भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, नित्यानंद प्रभु सारे भक्त गणों कहते हैं, ऐ रूपे नृत्य आगे हवे ग्राम ग्राम, ऐ रूपे मतलब इस प्रकार जो देख रहे हैं, ये तो सैंपल है, ये तो एक आज का बिल्कुल ये सैंपल है। अभी आगे जितना साउथ इंडिया में जितने दिन टूर होगा, लगभग एवरी डे ऐसे ही होने वाला है, ये आज के केवल ट्रेलर है, ये फिल्म तो आगे चले गए, सैंपल दिखा रहे हैं। ऐ रूपे नृत्य आगे हवे ग्राम ग्राम, हर गाँव में ऐसा ही करके जाएंगे। अति काल है लोक छाड़िया ना जाए, तबे नित्यानंद गोसाई सुजिल उपाय। आप सुबह से आए थे, अब दोपहर होने लगा, अति काल मतलब भाई भाई ठीक है, घंटा दो घंटा तीन घंटा, सुबह से लेके बारह बजा मतलब छह घंटा हो चुका है, इसलिए अति काल इतना लंबा समय हुआ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। मध्यान्ह होने लगा, लोग कोई जाते ही नहीं, कोई नहीं जाते। अति काल है लोक छाड़िया ना जाए, तबे नित्यानंद गोसाई सुजिल उपाय। सुबह से आए थे नाच गान कर रहे हैं सब, कोई वापस नहीं जा रहे हैं, उल्टी भीड़ बढ़ रहा है। तो नित्यानंद तो देखे कि अरे क्या कुछ तो उपाय करेंगे, प्रभु सुबह से खाए नहीं। तो नित्यानंद को पूछे कि उपाय किए, क्या उपाय, नमा ध्यान न करते गला प्रभु के लैया, तहां देखी लोग ऐसे चौधरी गे धाइया। हठात महाप्रभु खींच करके मंदिर के अंदर ले गए और दरवाजा बंद कर दिया, कोई नहीं अंदर आ सकता। ये उपाय किए, बोले कि मध्यान्ह लंच अब तक खाए नहीं, ये नाश्ते ही रहेंगे क्या। तो महाप्रभु तुरंत खींच करके मंदिर के अंदर ले गए। अब महाप्रभु अंदर लेकर कवाड़ बंद कर दिए और लोग तो पागल होकर दौड़ कर आते थे। कहां देखिए लोग ऐसे चौधरी के धाए, चारों तरफ से लोग दौड़ कर, अरे कहाँ चले गए, गोनी को तो देख रहे थे सब, पागल होकर दौड़ कर आए। मध्यान्ह करिए आइला देवता मंदिर, तो उन्होंने बोलते नहीं नहीं लंच लेने के लिए गए हैं, लंच टाइम अभी मंदिर के अंदर गए, मंदिर कवाट बंद है। निज गण प्रवेशी कपट दिल द्वारे, तबे गोपीनाथ दोई प्रभु रे भिक्षा कराइला, प्रभु रे संगे प्रसाद अन्न सभे बांटी दिल। अब निज गण प्रवेशी कपाटे दिल द्वारे, बोलते हैं कि महाप्रभु को तो ले गए अंदर, और जो उनके पार्टी के लोग थे, जो चार पांच निज गण थे, उनको भी सब अंदर लेकर के दरवाजा बंद कर दिया, बाकी लोग पब्लिक बाहर थे, ये सारे महाप्रभु घर में अंदर चले गए, कबाड़ बंद कर दिए। दिल कबाट द्वारे, तबे गोपीनाथ दुई प्रभु रे भिक्षा कराइल, तब गोपीनाथ को बोले थे, गोपीनाथ ने दो प्रभु, दो प्रभु मतलब गौरांग महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु, और दोनों को
भिक्षा कराने लगे, मतलब प्रसाद खिलाने लगे। सुबह से खाए नहीं थे, प्रसाद खिलाई लो, प्रभु रसे सब प्रसाद अन्न सभी बांटी खाई लो। और प्रभु खाने के बाद में जो प्रसाद बच गया था उचिष्ट सारे बांट कुंट कर चाट छुट कर उसको खाए। सुनी सुनी लोक सब आशी बहिर्द्वारे हरि 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 बोली लोक कोलाहल करे। सुनी देखो पार सब प्रसाद सब महाप्रभु प्रसाद बांट खेले। सुनी सुनी लोक सब आशी बहिर्द्वारे हरि हरि बोली लोक कोलाहल करे। ये भी महाप्रभु द्वारा कराइल मोचन। तब प्रसाद खाकर महाप्रभु रेस्ट करते होंगे। प्रभु प्रसाद जो बच्चा था प्रसाद अन्न सब लोग मारकर बांटी खाए। अब सुनी सुनी लोकर आसी बहिर्द्वारे, ये जो लिखा कि सुनी सुनी लोकर आसी बहिर्द्वारे, सुनी सुनी मतलब ये अद्भुत, ये कौन एक सन्यासी आया है हमारे इधर गांव में आज, ऐसे देखने के लिए सुंदर है, ऐसे कीर्तन करता है, ऐसे नृत्य कर रहा है, ओ हो पागल हो। इसी बात को सुनी सुनी इसी बोलते हैं कि सुनी सुनी लोकर आसे, इतना जो सुना भाकर अच्छा नहीं आए हमारे गांव, हाँ मैं जाता हूँ देखने। सब याक से बात सुनकर सब दौड़ दौड़ कर आते, तो भीड़ इकट्ठा और ज्यादा होने लगा। सुनी सुनी लोग का सब आसी बहिर्द्वारे, बिल्कुल मंदिर के बाहर में आकर बहुत भीड़ हुआ, जो देखे नहीं थे वो सामने आकर खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार सुनी सुनी लोग का सब बहिर्द्वारे आयला, यही लोग का कोलाहल करे, तभी महाप्रभु द्वारा कराइल मोचन। तो लोग आकर के बाहर में, बंदर से तकवाड़ बंद है, बाहर में खूब भीड़ आकर इकट्ठा हो गया और जोर जोर से लोग आकर हरी 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 ऐसे कीर्तन करने लगे, चिल्लाने लगे। तब महाप्रभु संभाल नहीं सके, जब बहुत ज्यादा पब्लिक भगवान को आतुर कंठ पुकारेंगे भगवान तो फिर आ ही जाएंगे। तभी महाप्रभु द्वारा कराई लमोचन, तब दरवाजा खोल दिए महाप्रभु। आनंद आसिया लोग कहले दर्शन, तो आनंद में सारे लोग आकर के उनका दर्शन किए। आनंद लैया करे दर्शन, ऐ मते संध्या पर्यंत लोक आई से जाय, वैष्णव हैला लोक सबे नाचे गाए। तो उस दिन संध्या पर्यंत दोपहर में प्रसाद खाकर जैसे महाप्रभु क्वाट खुल कर आए, अरे ये भीड़ हजारों का फिर इकट्ठा था, फिर महाप्रभु बोले महाप्रभु फिर नाचे गाए। इस प्रकार संध्या पर्यंत टिल इवनिंग, सुबह से आए थे संध्या पर्यंत द होल डे लोग आना जाना चलता है। और वैष्णव करे लोग का सुबह नाच गाय, यही रूपये सही था भक्ति गण संगे, सही रात्रि को आईला कृष्ण कथा रंगे। दिन भर तो नाचना गाना एक बार प्रसाद लेके हो रहा था, रात हो गया, रात भी वही अलारनाथ में बिताए, वही रहे। और क्या कर रहे थे, सही रात्रि को आईला कृष्ण कथा रंगे, भक्तों के सांग में बैठ करके कृष्ण कथा बोलने लगे। दिन में कीर्तन रहते क्यों, रात को जो थोड़े बहुत सिंसियर डिवोटी सीरियस डिवोटी उनके साथ रहे, सारा रात कृष्ण कथा बोलते बोलते बिताए। रात काले स्नान करी करी लगमन, भक्त गणे विदा दिला करी आलिंगन। तो प्रातः काल में उठ करके बोले मैं त्याग चलू, तो भक्त गणे विदा दिला करी आलिंगन। तो जब जाने लगे जितने भक्त थे सबको आलिंगन, बस आगे कोई नहीं जाएगा इस वापस जाओ, सब आलिंगन देकर विदा दे करके मूर्छित प्रभु करी ना विदा। भक्तगण विदा देकर जा रहे थे तो भक्तगण सब महाप्रभु के विरह में मूर्छित होकर भूमि में गिर पड़े। तहां सभा पाने प्रभु फिर ना चाहिला, पीछे द व्याकुल प्रभु चाहिला लैया। तहां सभा पाने प्रभु करिया ना चाहिला,
दियाना चाहिए। तो लोग जब महाप्रभु जब आलिंगन का विदा छोड़ के जाने लगे और उनके भक्तगण लोगगण से मूर्छित होकर गिरे, मूर्छित होकर गिर पड़े, तो महाप्रभु निष्ठुर के चले को पीछे मुड़कर उनको देखे भी नहीं, उनको पीछे मुड़कर देखे बिना तहा सभा पाने प्रभु फिर ना चाहिला, फिर कर उनको देखे भी नहीं। पीछे द व्याकुल प्रभु चलिला दुखी हया, पाछे कृष्ण दास चाया पात्र वस्त्र लया। इसको बोलते हैं कि महाप्रभु अब तुरंत ये सबको मुंह नहीं देखे, फिर करके सेंसेस होकर गिर के पड़ते मूर्छित होकर के, तो महाप्रभु तुरंत निकल पड़े। निकल गए तो प्रभु फिर ना चाहला, बिना देखे वो चल पड़े, उनको मोड़ कर देखे भी नहीं उनका क्या हाल हो रहा है। तो यहाँ कहते हैं विच्छेद व्याकुल प्रभु चलिला दुखी हया, लेकिन प्रभु जब जा रहे थे वो भी सुखी होकर हंसकर के नहीं जा रहे थे, वो तो उनके बाकी संगीगण तो मूर्छित होकर गिर पड़े थे, महाप्रभु व्याकुल होकर जा रहे थे, बड़े आतुर होकर जा रहे थे। क्यों आतुर थे, व्याकुल थे, तो उसके कारण बताते हैं विच्छेद व्याकुल प्रभु चलिला पृथ्वी दे, विच्छेद व्याकुल। अभी अभी रामनवमी गया, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। भगवान सीता के बिहन में किसे विच्छेद हुए थे, सीता जी अशोक वाटिका में भगवान के में किसे विच्छेद हुए। तो यहाँ प्रभु कौन सा विच्छेद में व्याकुल होकर चल रहे हैं, यही रहस्य है। श्री महाप्रभु राधा भाव द्विति सुबलितम, भगवान के यही आईडी है, वो साक्षात कृष्ण है, लेकिन जानबूझ कर राधा रानी के भाव को और उनकी तिथि को स्वीकार किए हैं। राधा रानी के रंग जैसे कांति और उनके भाव, राधा रानी का मन में भाव क्या, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण, कुथा जाऊं कुथा पाऊं, मुरली बदन की करूं, अई नंद अई दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ हे, तब उपलक्ष्य से। तो भगवान के विरह वेदना से राधा रानी 24 घंटा व्याकुलित होती थी, तो वही विच्छेद, क्योंकि वही राधा भाव में थे, इसी कहते हैं विच्छेद व्याकुल प्रभु चलिला दुखी है। इसी विच्छेद व्याकुल बिल्कुल राधा रानी के भाव में 100% ऐसे कृष्ण विरह को अनुभव करके व्याकुल होकर के दुखी हुआ चले चल रहे थे। पाछे कृष्णदास जाया पात्र वस्त्र ले, और कृष्णदास पीछे पीछे उनके वस्त्र और पात्र लेकर के चले, जल पात्र और उनके बहिर्वास को लेकर जा रहे थे। भक्त गण उपवासी तहाई रहिला, आरा दिन दुखी हया नीला चल अला। महाप्रभु जैसे चले गए तो सारे भक्तगण मूर्छित होकर पड़े थे, उठे रोए तो महाप्रभु उठे नहीं, तो चले जा चुके थे, कोई नहीं खाए। उस दिन फास्टिंग किए, जिस दिन महाप्रभु चले गए दक्षिण भारत की ओर, सारे भक्तगण अल्लाहनाथ में उपवास रहे। ही बात लिखते हैं भक्तगण उपवासी तहाई रहे, आए भी नहीं और खाए भी नहीं। ये है भगवान के प्रति प्रेम, कैसा संबंध था, चले गए तो भोजन भी नहीं किए और फिर के वापस भी नहीं आए। भक्तगण उपवासी तहा ही रहिला, आर दिन दुखी हया निराचल आयला, तो दूसरे दिन दुखी होकर निराचल वापस आए। तो इस प्रकार भगवान ने अभी दक्षिण यात्रा के तौर पर श्री अलानाथ से पहुंच करके अलानाथ से आगे चल पड़े। मैं आशा करता हूँ आप में से अनेक गुरु भक्तगण हैं जो अलानाथ जी के दर्शन किए होंगे। चतुर्भुज नारायण विग्रह हैं, पुरी से केवल 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर पर हैं, जहाँ पर बेंटापुर करके गांव है, जहाँ पर श्री राय रामानंद उनके घर है, उनके गांव है बेंटापुर, भवानंद राय के स्थली है, उनके 5 बेटे हैं रामानंद वाणीनाथ जी लेकर के गोपनाथ जी। तो वहीं केवल रामानंद के घर नहीं हो गांव में, यहाँ पे सिखी माई थी और माधवी देवी महाप्रभु के जो पार्षद गण 3.5 पार्षद का गांव यही है। रामानंद राय एक हैं, सिखी माई थी और उनके सिस्टर माधवी देवी, ब्रज के रसिक भक्त महाप्रभु के एकांत पार्षद 2.5 पार्षद इसी गांव में थे, वही गांव है बेंटापुर अलानाथ। यहाँ पर ऐसे किंवदंती है कि श्री जगन्नाथ जी के प्रतिष्ठा जब इंद्रदेव महाराज करना चाहते थे, मंदिर बनाए, जगन्नाथ जी के बड़े लंबे कठिन सब नाना प्रकार के
समस्या का समर्थन करते हुए ब्रह्म लोक से ब्रह्मा को बुलाकर लाए और जैसे जैसे करके मंदिर को प्रतिष्ठा करने के लिए जब आए थे, ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने अपना गाड़ी लेकर आए थे, उनके गाड़ी में इंद्रदुन और गुंडीचावे आए थे। वो आकर के इसी धरती पर उसी जगह पर लैंडिंग किए जहाँ पर लैंडिंग किए, इस जगह का नाम है ब्रह्मगिरी। अलारनाथ जो आजकल बस भी जाता है, ऑटो भी चलता है वहाँ, लेकिन लिखा है ब्रह्मगिरी रोड, ब्रह्मगिरी मतलब ब्रह्मा के गिरी, जो ब्रह्मा वहीं लैंडिंग किए थे जीवायपुरी में जगन्नाथ मंदिर ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मा जी ने उतर करके जब धरती पर पहले लैंडिंग किए तो अपने इष्ट को सबसे पहले पूजा करेंगे। ब्रह्मा जी के इष्ट है उनके पिताजी विष्णु, द्रवसाय विष्णु चतुर्भुज नारायण मूर्ति, तो उस नारायण चतुर्भुज नारायण मूर्ति को ब्रह्मा स्थापित करके पूजा किए थे सबसे पहले, पूजा किए थे। उसके बाद ब्रह्मा जी उसको पूजित कर रख गए, वो तो रह गए। फिर राजा ने फिर उनको व्यवस्था किए, कुछ ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण कहाँ से, ब्राह्मण तो वहाँ कोई थे नहीं, यहाँ तो सबरपल्ली था पुरी में, तो दक्षिण से अलवर, एक कोई अलवर को बुलाए थे। हम सुनते द्वादश अलवर है उनके परिवार को अलवर, हमने बहुत हम जैसे गोस्वामी कहते हैं यहाँ दक्षिण भारत में जो बहुत उच्च कोटि के भक्त होते हैं भगवान के, ऐसे के भक्त उनको अलवर कहा जाता है। तो कोई अलवर को बुलाए थे इस नारायण विग्रह को पूजा करने के लिए, तो इसलिए अलवर के नाथ के हिसाब से अलरनाथ है। ठीक है, बाकी काल करेंगे।